फर्स्ट एडजस्टमेंट हम आज का जो देखने जा रहे हैं वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. तो अभी ये एडजस्टमेंट का, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल्स बोल के, तो गुड्स. गुड. अब ये ट्रांजेक्शन का टाइप क्या है, नॉन कैश. एंड इसका अगला सवाल आएगा फॉर व्हाट, हम ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स फ्री सैंपल, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, हमको हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है. तो हमारे सामने हमारे दो अकाउंट्स आ गए, एक आया एडवर्टीजमेंट और दूसरा आया गुड्स. अब लेकिन सवाल उठता है, सर हम बड़े हो गए, गुड्स अकाउंट तो होता नहीं है. अब मेरे को बोलो, जब हम कोई भी चीज फ्री सैंपल बोल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट पे होता है कि सेलिंग प्राइस पे होता है, हमको जो कॉस्ट पड़ी उस पे होगा कि सेलिंग प्राइस पे होगा, कॉस्ट. हमने कोई चीज 100 में खरीदी और 200 में बेचने वाले और हमने वो बांट दी तो हमारा नुकसान 100 रुपए का हुआ, तो कॉस्ट पे हुआ. अब कॉस्ट पे परचेज है कि सेल्स है, परचेज. दूसरा अकाउंट आएगा परचेजेस, गुड्स की जगह आएगा परचेजेस. एक आएगा एडवर्टीजमेंट, एक आएगा परचेजेस. अब मेरे को बताओ एडवर्टीजमेंट का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, रियल नॉमिनल पर्सनल? नॉमिनल. इनकम एक्सपेंस है, एक्सपेंस. तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट. ओके, परचेज रियल. अभी गुड्स आए कि गए? कोई पूछेगा सर नॉमिनल लेंगे क्या, तो मेरा बोलना है एडजस्टेड परचेजेस नॉमिनल आते, सिर्फ परचेजेस नॉमिनल में नहीं लेने का. ओके, तो हमारी एंट्री क्या बनी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ऑल ऑफ यू शुड बी राइटिंग दिस एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ओके बच्चों, मेरे को बताओ एडवर्टीजमेंट किधर जाता है फाइनल अकाउंट में? एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. अगर एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी दिख रहा है तो टू एडवर्टीजमेंट जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है उसमें एड हो जाएगा एड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स आउटर कॉलम में टोटल. अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट दिख रहा है तो, और अगर नहीं दिख रहा है तो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स डायरेक्टली लिख सकते हो. दूसरा, परचेज अकाउंट किधर जाता है? ट्रेडिंग. परचेज ट्रेडिंग में जाता है, कौन से साइड पे जाता है? डेबिट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेज दिख रहा है आपका ऑलरेडी. अब मेरा सवाल है, परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट. आपने एंट्री में क्या दिया है? क्रेडिट. परचेज में से माइनस हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. आप इसको एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हो, बट किस चीज का था तो हम पूरा नाम लिखते हैं. अब एक तरीका यह है कि आप परचेज में से माइनस करो. कुछ राइटर का बोलना है यह है कि सर आप डेबिट में माइनस करने की जगह क्रेडिट में बताओ, क्रेडिट में लिख दो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो ये डेबिट में माइनस नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट में दिखेगा. यहां माइनस नहीं होगा, सीधा क्रेडिट में दिखेगा. तो इसके दो इफेक्ट, एक P&L के डेबिट में एडवर्टीजमेंट में एड, या तो अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है तो अलग से दिखेगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और दूसरा ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज में से माइनस, या तो ट्रेडिंग के डायरेक्टली. सो दिस इज योर एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. आपको चाहिए तो डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में.